आज के क्लास में हम बात करते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के अंतर्गत कॉमा। इंग्लिश लेखन में या रीडिंग में कॉमा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कॉमा का यूज हम प्रसंग वश न करें तो अर्थ बदल सकता है सेंटेंस का, और पढ़ते समय भी यदि कॉमा का ख्याल नहीं रखें तो अर्थ बदल सकता है सेंटेंस का। तो खासकर इंग्लिश राइटिंग में, लेखन में, एसे में, लेटर में या कोई टेक्स्ट लिखना हो उसमें भी कॉमा का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर चर्चा करेंगे हम। 17-18 रूल्स हैं इसके, कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इन वाक्यों को देखें एग्जाम्पल्स के तौर पर और समझें कि कॉमा का कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि ही बॉट ए पेन, अ बुक एंड अ बैग। उस सीरियल जो लिस्ट देते हैं हम किस चीज़ का, फ्रेज हो, कोई एडजेक्टिव हो, क्लाज हो, नाउन हो, यदि दो से अधिक का प्रयोग करते हैं हम तो वहाँ कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एंड के पहले नहीं भी दे सकते हैं। ही बॉट ए बुक, ए पेन एंड बैग। उसने एक किताब, कलम और बैग खरीदी। दो से अधिक है यहाँ तो हमने कॉमा का प्रयोग किया है। वर्ब आए तो भी, नाउन्स आए तो भी, एडजेक्टिव आए तो भी, हम वहाँ कॉमा से सेपरेट करते हैं उनको। दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, सी वेदर एट एंड वेंट अवे। उसने स्नान किया, खाया और चली गई। It went away. यहाँ भी हम देख रहे हैं कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। एक, दो, तीन वर्ब से यहाँ आए हैं तो कॉमा से सेपरेट किए हैं हम। पहला रूल से, कॉमन रूल से अधिकतर स्टूडेंट्स लिखते भी हैं इसको। यहाँ हम भूल नहीं करते हैं कभी कि अक्सर अधिक वर्ब आए, नाउन आए, एडजेक्टिव आए तो वहाँ हम ही इज टॉल, जेंटल एंड हार्ड वर्किंग, टॉल के बाद कमा देंगे। इस तरह का प्रयोग करते हैं। ये फर्स्ट रूल है और यह प्रचलित भी है। इसके बाद हम लोग गलत करना शुरू करते हैं, छोड़ना शुरू करते हैं, बिना कॉमा का लिखना शुरू करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वह ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं हम कि लेखन में ये इस तरह का सेंटेंस आए, वर्ड आए तो कहाँ कॉमा देते हैं। अब यस और नो यदि वाक्य में प्रयोग हो तो उनके बाद कॉमा जरूर दिया जाता है। ये पहला रूल रहा हमारा। दूसरा, यदि यस हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, यस आई लाइक यू, यस के बाद कॉमा देते हैं हम। नो आई डोंट लाइक हिम, तो नो के बाद भी कॉमा रहेगा यहाँ। नो आई डोंट
लाइक हिम, यहाँ नौ के बाद कौमा दिए। रुकते भी हैं बोलते समय, यस आई लाइक यू, नो आई डोंट लाइक हिम। अब अगला एक है कि यदि आप पोजिशन रहे तो वहां भी हम उसको कमा से सेपरेट करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरफ। आई मोहन, अब आई मोहन अपने लिए प्रयोग कर रहा है, आई मोहन मतलब ये पोजिशन में आया। आई एम ए स्टूडेंट, आई मोहन आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ ये नहीं भी रहता तो हो जाता सेंटेंस पूरा आई एम ए स्टूडेंट, लेकिन आई मोहन, मोहन आई के लिए आया है तो अपोजिशन है, समानाधिकरण इसके लिए प्रयोग हुआ है तो इसको हमने सेपरेट किया है कमा से, आगे भी पीछे भी। राम द ब्रदर ऑफ शीला, तो राम के लिए जो द ब्रदर ऑफ शीला आया, द ब्रदर ऑफ शीला उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। इस तरह से एक पैरेंथेसिस है जो एक्स्ट्रा कमेंट टिप्पणी है उसमें, तो वहां भी हम इस तरह से कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं। जैसे यू विल आई होप गो टू स्कूल, ये अपोजिशन है। यदि हम पैरेंथेसिस भी लगाएं, यू विल कहना चाह रहे थे कुछ, वहां बीच में हमने कुछ डाल दिया, आई होप मैं ऐसा करता हूं तुम स्कूल जाओगे, ये सेंटेंस था मेरा, लेकिन बीच में एक पैरेंथेसिस आया तो उसको हमने कॉमा से घेर दिया, आई विल यू विल आई होप गो टू स्कूल, ये सेंटेंस था यू विल गो टू स्कूल, लेकिन ये आई होप बीच में आया, एक्स्ट्रा कमेंट किया मुझे आशा है, तो इसको हमने कॉमा से सेपरेट किया है। इस तरह का यदि हम लेखन में अपने प्रयोग करते हैं तो कॉमा दिया जाना चाहिए। बीच में यदि कोई आ जाता है जैसे हाउएवर है, देयरफॉर है, तो उसको भी कॉमा से ऐसे ही सेपरेट करते हैं आगे पीछे। हिट डिडंट हाउएवर गो होम, पांचवा यदि ही हाउएवर, तो भी यहां हम प्रयोग करना चाहते हैं तो इसको कमा से सेपरेट कर दिया, आई डिडंट हाउएवर गो होम। बहुत जरूरी था तो भी वह घर नहीं गया, ही डिडंट हाउएवर गो होम। तो हाउ एवर जो आया इसको हमने आगे पीछे दोनों तरफ कमा लगाया। इस तरह से यदि देफ का प्रयोग करते हैं हम तो उसको भी ऐसे ही कमा से अलग करते हैं, ही देफोर डिसाइडेड नॉट टू हेल्प यू, आपने आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिए उसने निर्णय लिया आपकी मदद नहीं करने की, ही देयरफॉर तो छठा यदि हम लिखना चाहें, ही देयरफॉर लिख रहे हैं तो यहां हम इसको कमा से सेपरेट कर रहे हैं, डिसाइडेड नॉट टू हेल्प यू। तो
तो हाउएवर बीच में आया, देयरफॉर आया, तो इसको हमने कॉमा से सेपरेट किया। यहाँ कॉमा का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक जनरल रूल है डायरेक्ट नरेशन में, हम लोग जो प्रयोग करते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और रिपोर्टेड रिपोर्टिंग साइड को कॉमा से अलग करते हैं। आई सेड ही विल गो, हमने लिखा आई सेड, इसको कॉमा से अलग करते हैं, रिपोर्टिंग साइड है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखते हैं, यू विल गो, इसको हम कॉमा से। तो यहाँ एक कॉमा का प्रयुक्त होता है, साधारण चीज है, करते ही हैं हम लोग। एक जगह और हम लोग प्रयोग करते हैं कॉमा का, ये सातवां प्रयोग मैंने बताया। कहीं वर्ब लुप्त हो तो वहां भी कॉमा का हम प्रयोग करते हैं, जैसे रवि इज 14, रवि 14 वर्ष का है, रवि इज 14, सोनी 10, इज लुप्त हो गया तो सोनी के बाद कॉमा दे देंगे। आठवां में रवि इज 14, और चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ रहे हैं तो यहाँ हम सेमी कॉलन का प्रयोग कर दिए। बात करेंगे बाद में सेमी कॉलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो भी रेयर प्रयोग करते हैं, देखते हैं हम लेखन में लोग, लेकिन उसको भी जानेंगे कि कहाँ सेमी कॉलन दिया जाना चाहिए। सोनी 10, यहाँ हमको लिखना था सोनी इज 10, सोनी 10 वर्ष की है, रवि इज 14, सोनी इज 10, लेकिन यदि यहाँ हमने वर्ब को लुप्त किया तो यहाँ कॉमा दे देते हैं, थोड़ा सा ठहरते हैं, सोनी 10, रवि इज 14, सोनी 10। और दोनों चूंकि सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दोनों को अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। और यदि यहाँ एंड लगा दें तो सेमी कॉलन का प्रयोग नहीं करते हैं। यह हमारा आठवां रहा कि इस तरह से यदि लुप्त हो वर्ब तो वहां हम दोबारा रिपीट नहीं करके कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब यदि शुरू में सेंटेंस के शुरू में एट प्रेजेंट आ जाए, एट लास्ट आ जाए, इन फैक्ट आ जाए, स्लोली, नो, हाउ एवर, आफ्टर द क्लास, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, दैट इज, ये सब एडवर्बियल जो वाक्य के शुरू में आते हैं तो इनके बाद कॉमा दिया जाना चाहिए। हिंदी में भी देते हैं, हिंदी में भी किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब आता है तो वहाँ कॉमा से सेपरेट करते हैं। और इंग्लिश में भी ये जो मैंने कहा कि एट प्रेजेंट, इस समय, यू आर हेल्पलेस, इस समय तुम हेल्पलेस हो, तो एट प्रेजेंट जो है उसके बाद हम कॉमा देते हैं, एट प्रेजेंट। एट लास्ट हो तो भी कॉमा दे देंगे यहाँ। एक ही बार बोलते हैं इसको, एट प्रेजेंट हो, एट लास्ट हो, इन फैक्ट हो। नो को मैंने दिखाया, स्लोली हो, हाउ एवर, आफ्टर द क्लास, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, दैट इज, ये सब एडवर्बियल आ रहे हो वाक्य के शुरू में तो कॉमा हम प्रयोग करते हैं। जैसे एट प्रेजेंट यू आर हेल्पलेस,
एट लास्ट हो तो भी, इनफैक्ट हो तो भी, स्लोली हो तो भी, तो वाक्य के शुरू में एडवर्ब की तरह प्रयुक्त होने वाले शब्द आते हैं, तो उसको हम कमा से सेपरेट करते हैं। दसवां रूल है हमारा, दसवां रूल है कि यदि बच्चे लेटर लिखते हैं टू द हेडमास्टर, टू तो टू के बाद कॉमा नहीं देते हैं, अक्सर लोग दे देते हैं, जैसे टू लिख दिए कॉमा दे दिए, जैसे सेवा में लिख के हम लोग दे देते हैं द हेडमास्टर, तो यहां कॉमा नहीं रहना चाहिए। टू द हेडमास्टर लिखे तो वहां कॉमा होगा, सर लिखे वहां भी कॉमा होगा। इसके बाद हम लोग लिखना शुरू करते हैं, तो ख्याल रहे कि ट जो आता है उसके बाद कॉमा नहीं होना चाहिए, और द HM, द प्रिंसिपल तो वहाँ कॉमा होना चाहिए, सर मैडम तो वहाँ कॉमा होना चाहिए, लास्ट में भी जब हम देते हैं योर्स फेथफुली योर्स फेथफली, तो वहां भी हम कमा का प्रयोग करते हैं। एक ये रहा, लेटर लिखते समय बच्चे सावधान रहेंगे कि कहाँ कमा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला नियम है हमारा, जिससे हम लोग माह और दिनांक लिखते हैं। Feb 19, इसे हमने लिखा February 19, इसके बाद हमने वर्ष लिखा तो यहाँ कॉमा दिया जाना चाहिए। February 19, 2021। लेकिन इसी को यदि हम लोग लिखते हैं ऑर्डिनल में 19th February, तब कॉमा नहीं देते हैं। इसको हम लिख दें ऐसे, लिखने का यह भी तरीका है, तब यहाँ कॉमा नहीं दिए हम 19th February 2021, नो कॉमा। लेकिन वैसे लिखते हैं यदि February 19, तो कॉमा देते हैं। यदि दिन का नाम लिखते हैं मंडे, तो यहाँ कॉमा जरूर देते हैं। August 10, यहाँ कॉमा जरूर देते हैं। आगे वर्ष लिखने जा रहे हैं, क्योंकि February 19 था उस तरह से मैंने लिखा August 10, और इसके बाद हमने लिखा 2021। इस तरह से यदि हमको लिखना हो कहीं, तो कॉमा से सेपरेट उसको करते हैं। ये हमारा रहा एक अलग नियम। थोड़ा सा अभ्यास करने से और लिखते पढ़ते समय सावधान रहने से ये सब अभ्यस्त हो जाता है, हैबिट में आ जाता है। लिखते समय कहीं हम भूल नहीं करते हैं। एक है कि यदि आ जाए एडवर्बियल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद हम कॉमा देते हैं, जैसे द सन हैविंग सेट, सूर्यास्त होने पर, ऑल वेंट होम, द सन हैविंग सेट, इसके बाद हमने कॉमा दे दिया सूर्यास्त होने पर, ऑल वेंट होम।
तो ये एक फ्रेज है, उसके बाद हमने कमा दिया है। यहाँ भी ख्याल रखना है, ऐसे सीधे नहीं लिख देना है कि द सन हैविंग सेट आल वेंट होम, कमा से सेपरेट कीजिए उसको। अब एक की सेंटेंस अलग दे रहे हैं, श्री प्रकाश, यहाँ इनकी हम डिग्री लिखते हैं, एमएससी बीएड। इज माई टीचर, इज माई टीचर श्री प्रकाश, इनके बदले में आया वो, इस तरह का ऊपर हम देख चुके हैं। तो इसको कमा से सेपरेट किए हम, श्री प्रकाश एमएससी बीएड लिखते हैं तो कमा से उसको भी सेपरेट किए हैं। इसके बाद हमको लिखना था श्री प्रकाश इज माई टीचर, बीच में उनकी डिग्री डाल दी, तो उस एमएससी बीएड को हमने कमा से सेपरेट किया है। क्वेश्चन टैग जब हम बनाते हैं तो उसको भी कमा से हम सेपरेट करते हैं। हिरिट्स क्वेश्चन टैग, डजंट ही एक सेंटेंस है, हिरिट्स क्वेश्चन टैग बनाना हो तो कमा देते हैं यहां, डजंट ही कमा सेपरेट कर दिए उसको। यहाँ भी कमा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब किसी चीज की पुनरुक्ति करते हैं तो वहां भी हम करते हैं, जैसे ट्राई, ट्राई अगेन, यहाँ देखिए दो बार ट्राई किए तो कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं, ट्राई ट्राई अगेन। इस तरह के जहाँ भी लेखन में टेक्स्ट बुक में आवे ध्यान देते चलेंगे, अभ्यास हो जाएगा। अब डिजिट हम लोग लिखते हैं, देखिए उसमें भी कॉमा का प्रयोग करते हैं, ऐसे आदतें नहीं है बच्चे को लिखने की कॉमा दे करके, उसको भी देखते हैं हम कैसे लिखा जाता है। डिजिट में कमा लगाने की दो पद्धतियां हैं, नंबर में भारतीय अंकन पद्धति पहले हम देखते हैं। जैसे हमको लिखना है 6321, तो अक्सर आदत बस ऐसे ही लिखते हैं, सेपरेट नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय अंकन पद्धति में 1 10 100 के बाद, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद, मतलब 3 अंकों के बाद एक कमा लगाते हैं, आ इधर दो दो को सेपरेट करते चलते हैं, दो दो को सेपरेट करते हैं, दो दो को सेपरेट करते हैं। भारतीय अंकन पद्धति है, पहले 3 को इकाई दहाई सैकड़ा, एक है यह यूनिट, एक में हजार, 10 हजार एक में, लाख 10 लाख एक में, करोड़ 10 करोड़ एक में, ऐसे ही दो दो को पढ़ते भी हैं। 16 करोड़ 76 लाख 26 हजार 321, यह भारतीय अंकन पद्धति। लेकिन यदि इसको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 हो गया तो फिर 3 रहेगा इधर और 3 इधर, ये 3 अब 1 में हो गया, इधर 3 हो गया, 3 3 का हम बनाते हैं ग्रुप। 3 3 का ग्रुप बना दिए हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। और इसको कैसे पढ़ते हैं, ये सैकड़ा का ग्रुप है, ये हजार का ग्रुप है, ये मिलियन का ग्रुप है, इधर कुछ होगा तो ट्रिलियन का ग्रुप होगा, 3 से फिर सेपरेट करते हैं इसको। इसको यदि हमें पढ़ना हो यहां से, इसको यदि हम पढ़ते हैं, इतना ही रहता मेरा,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100 तक चलते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 254 बिलियन, 167 मिलियन, 626,000, इसके बाद 321, सब में 100 आ रहा है। तीन तीन का ग्रुप बना के अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इकाई दहाई हिंदी में कहें तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, और तीन तीन का ग्रुप बना के पढ़ते हैं। तो भारतीय अंकन पद्धति में सबसे पहले तीन को कमा से सेपरेट करके बाकी दो दो को हम करते चलते हैं, चूंकि वो दहाई वाला है तो यहाँ भी कमा का हम प्रयोग करते हैं, सावधानी से लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बिना कमा का प्रयोग किए अंकों को लिखते हैं, लेकिन अंक यदि लिखना हो टेलीफोन नंबर का, मोबाइल नंबर का, तो वहाँ हम कमा का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हम लिखते हैं या यहाँ कहीं कमा का प्रयोग नहीं किया है, मोबाइल नंबर है, और इसको बोलना हो हमें तो मानक रूप में बोलते हैं अलग अलग, 9771006360, आदत बस हम लोग बोलते हैं 97, 71, 00, 63, 60, लेकिन उसको सिंगल सिंगल बोलना चाहिए, अलग अलग बोलना चाहिए, हाउस नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, जो हम लोग ये जो लिखते हैं साल 2021, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कमा से सेपरेट कर देंगे, तो ये सब भी ध्यान रखना है। ये रहा अंकों के प्रयोग में कमा का प्रयोग। अब एक है कि डिपेंडेंट क्लॉज है, यदि शुरू में आता है बिकाज ही वाज इल तो कमा से सेपरेट कर देते हैं, व्हेन यू कम कमा सेपरेट कर देते हैं, बाद में रहता है तो कमा से सेपरेट उसको नहीं करते हैं। बिकाज ही वाज इल कमा दीजिए, इसके बाद लिखिए राम वाज नॉट देयर, या शुरू में लिखते हैं कि राम वाज नॉट देयर बिकाज ही वाज इल, तो नहीं देते हैं कमा। आई विल हेल्प यू वेन यू कम, नहीं देते हैं कमा। वेन यदि शुरू में रहता है, डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आता है, एडवर्बियल क्लॉज शुरू में आता है, एडवर्ब क्लॉज जो है विकास वेन वाला, तो वहाँ हम कमा का प्रयोग करते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, वहाँ भी कमा का प्रयोग करते हैं। ही इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो क्लेवर, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से यदि जुड़े रहते हैं तो उस कंजंक्शन के पहले कमा का प्रयोग करते हैं, जैसे और, बट, एंड, नॉर, येट, सो, फॉर, ये जो छोटे छोटे दो तीन लेटर के वर्ड हैं उनके पहले कमा का प्रयोग करते हैं। और यदि कुछ इससे बड़े बड़े आते हैं तो वहाँ हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आ गया, फॉर इंस्टेंस आ गया, इनफैक्ट आ गया, बीच में सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग नहीं है तो सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। यू कैन गो विद मी और यू कैन गो टू स्कूल अलोन, यू विल गो, यू कैन गो टू स्कूल अलोन,
यहाँ देखिए अब यू कैन गो विद मी, यू कैन गो टू अ स्कूल अलोन, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लाज हैं, दोनों कोऑर्डिनेट समान रैंक के, इक्वल रैंक के, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, ये सबॉर्डिनेट क्लाज नहीं है इसमें, दोनों को यदि हम आर से जोड़े हैं तो यहाँ कमा होना चाहिए, यू कैन गो विद मी और यू कैन गो टू अ स्कूल अलोन, तुम मेरे साथ जा सकते हो अथवा तुम स्कूल अकेले जा सकते हो। यदि यहाँ ये कोऑर्डिनेटरिंग कंजंक्शन नहीं दे हम तो कमा तब नहीं देंगे, तब यहाँ सेमी कॉलम से इसको अलग करना पड़ेगा। यहाँ आगे बट आ जाए और जैसे मैंने दिया नॉर दे दें, येट आ जाता है, सो आ जाता है, फॉर आ जाता है बीच में, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यदि यहाँ आता है तो कमा देंगे, नहीं लुप्त रहता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो सेमी कॉलम देंगे। इस तरह से एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर रहा, कहाँ कमा का प्रयोग किया जाना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और आगे देखेंगे हम सेमी कॉलम का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेज का पेज हम देखते चले जाते हैं, विद्यार्थियों का कहीं कमा का सेमी कॉलम का प्रयोग नहीं करते हैं वो, तो इसको आदत में लाना है कि कैसे प्रयोग करना है। थैंक यू वेरी मच।